नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल क्रिएटिव आइडियाज़ विद पुष्पा में। तो दोस्तों, आज हम नवरात्र के छठे दिन की माता माँ कात्यायनी देवी जी की पोशाक बनाएंगे। इसके लिए मैंने मूर्ति की जगह माता जी की चित्रपट की पोशाक तैयार की है। तो दोस्तों, आपको यह पोशाक ज़रूर पसंद आएगी, तो आप भी इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए बनाते हैं माता के चित्रपट की पोशाक। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चित्रपट की नाप लेनी होगी दोस्तों। इसके लिए मैंने चौड़ाई 15 इंच ली है और इसकी लंबाई मैंने ली है 8 इंच। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने कपड़ा ले लिया है उसी नाप का। तो अब हमें इसके दोनों किनारों पे पक्की सिलाई लगा के इनके किनारों को लॉक कर देना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब मैं इसमें एक एक चिट बटन लगाऊंगी। यहाँ पे किनारों पे हमें चिट बटन लगाने हैं दोनों तरफ से, तो ताकि मैं इसको इस तरीके से मोड़ सकूँ। देखिए इस तरीके से, तो आप चिट बटन लगा लीजिए। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे चिट बटन लगा दिए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हमें इसे बीच में से इस तरीके से मोड़ देना है। सीधी तरफ से ऐसे मोड़ दीजिए और इसके किनारे से बीचों बीच में देखिए नीचे की साइड से मैं एक 1.5 इंच का निशान लगाऊंगी। इस तरीके से सीधी तरफ से देखिए ऐसे निशान लगा के हम ऐसे तिरछा एक कट लगाएंगे। इस तरीके से देखिए निशान लगा करके, ये अब हम इसे कैंची से कट कर लेंगे। तो इसका शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा और मैं इसके किनारे किनारे से लेस लगा दूंगी। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे लेस लगा दी है और यह एक तरफ की ड्रेस हमारी बन चुकी है। तो अब हम दूसरी तरफ की ड्रेस बनाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैंने दूसरी साइड की ड्रेस बनाने के लिए देखिए 16 इंच लंबाई में और 4.5 इंच चौड़ाई में कपड़ा लिया है। इसको हम फोल्ड कर देंगे और हम बंद साइड से, जहाँ से हमारा कपड़ा बंद है उस साइड से हम 1 इंच का निशान लगाएंगे ऊपर से। और इसके बीचों बीच में जैसे 16 इंच है, तो 8 इंच पे बीच में भी एक निशान लगा के इतनी हमें वहाँ से ऊपर से लेके ऐसे तिरछा निशान लगा देना है और नीचे से हम गोलाई दे देंगे। तो इस तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे इसी निशान पे। देखिए इस तरीके से ये हमारा इस तरीके का आ गया है डिज़ाइन। अब हमें इसे चारों तरफ से लेस लगा देनी है। तो यहाँ पे मैंने लेस लगा के इसको भी तैयार कर लिया है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, देखिए इस तरीके से इस पर चुन्नट बनानी है। ऐसे हम प्लेट बना देंगे और इतनी प्लेट बनाएंगे कि सिर्फ जो हमारा कपड़ा है मेन वाला, उस सिर्फ आधा इंच बाहर दिखना चाहिए। और उस तरीके से एक पंखुड़ी होती है फूल की, उसका शेप आना चाहिए। देखिए इस तरीके से नीचे चौड़ाई में और ऊपर से ऐसे बंद। तो देखिए, मैंने यहाँ पे सिलाई कर ली है। इस तरीके से हमारा शेप आ गया है। मैंने दो बनाए हैं यहाँ पे इस तरीके से। अब हमें जो तैयार पोशाक है उस पर हम इन्हें सिलाई कर देंगे। देखिए इस तरीके से किनारे किनारे से दोनों को लगा देंगे। तो हमारी पोशाक तैयार हो चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी चित्रपट की एक बिल्कुल नए डिज़ाइन की पोशाक तैयार हो चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत बनी है ड्रेस। तो आप इस तरीके से माता को पहना सकते हैं। देखिए, मैंने साइड में इसकी चिट बटन भी लगाई है ताकि यह हिलेगी भी नहीं। आप इस तरीके से भी इसे पहना सकते हैं। और अगर आपको ऐसे नीचे से नहीं बनाना, एक माला का शेप देना है, तो आप यहाँ पे एक टिच बटन यहाँ पे भी लगा सकती है या कोई पिन भी लगा सकती है। आप इसमें मोती वगैरह भी लगा सकती हैं, तो अच्छे से और सजा सकती हैं इसको। तो कैसी लगी आपको ये ड्रेस, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।